नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्पिंग सीकर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि जो नामांतरण है राजस्थान में, नामांतरण ऑनलाइन आवेदन किस तरह से करेंगे जिससे अपनी जमीन का जो नामांतरण है या जो नाम होने का प्रोसेस है वो खुल सके। उसके लिए आपको अगर ई मित्र से आवेदन कर सकते हो और आप इसी के साथ सेम टू सेम प्रोसेस आप उससे भी कर सकते हो ऑनलाइन तरीके से। तो उसके लिए आपको यहाँ पे अगर ई मित्र से करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा MUT, ठीक है। यहाँ पे अवेलेबल सर्विसेज में जाके तो रिवेन्यू एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन म्यूचुएशन, ठीक है, म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करिए, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अगर आप ऑनलाइन खुद से आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा किसी भी ब्राउजर में अपना खाता। तो अपना खाता जैसे आप टाइप करोगे तो आपके सामने यहाँ पे ये वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नामांतरण के लिए आवेदन करिए, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो ये और वो ई मित्र वाली प्रोसेस सेम टू सेम रहेगी। तो आपको यहाँ पे जिस भी आवेदक का नाम है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, यहाँ पे पिताजी का नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है। आवेदक का नाम वही होगा जो आप यहाँ पे नामांतरण खुलवाना चाहता है, उसका नाम यहाँ पे आपको टाइप करना है। इसके बाद उसके पास जो पिताजी हैं उनका आपको यहाँ पे नाम फिल करना होगा, ठीक है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करना होगा। इसके ऊपर आपको मोबाइल नंबर वही बनना है जिससे आप OTP वेरीफाई कर पाएंगे। इसके बाद आपको ईमेल और यहाँ पे आवेदक का पता आपको यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना इतना फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे अपना जो जिला है वो आपको यहाँ पे फिल कर सिलेक्ट करना होगा। देखिए हम हमारा जो जिला है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारा जिला सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी जो तहसील है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और अपना जो गांव है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अब गांव सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नामांतरण किस प्रकार के लिए आवेदन करना चाहते हैं, यानी अगर आपने बैंक से लोन ले रखा था और आपने ऋण का नामांतरण दर्ज कराने के लिए, रहन मुक्त के लिए, ऋण मुक्ति के लिए, विरासत यानी जब पिताजी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद आपको नाम अपने नाम करवाना है तो आपको यहाँ पे विरासत का नामांतरण दर्ज करने हेतु, या हक त्याग यानी कि जैसे कोई महिला है, आपकी बहन है, वो अपना हक त्याग करना चाहती है या अपनी जमीन, हिस्से की जमीन आपको देना चाहती है, तो आप हक त्याग नामांतरण दर्ज करने हेतु भी आवेदन कर सकते हैं। उपहार, नाबालिग से बालिग का नामांतरण, तो इसलिए हम यहाँ पे विरासत के अंदर सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, मृत्यु प्रमाण पत्र, एक तो जिसका मृत्यु हुई है अगर विरासत से करना चाहते हैं तो मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रमाणित वारिस सरजरा जो आपका यहाँ पे पटवारी बना के देगा, ठीक है, स्वयं का शपथ पत्र आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, और एक उत्तरदायी व्यक्ति का शपथ पत्र जो आपका फर्ज यहाँ पे आपके जो गवाहीदार हैं उनका एक फॉर्म आता है वो आपको यहाँ पे लेके उस पर सिग्नेचर करवाने होंगे। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे आगे बढ़े के पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपको खाता की संख्या की जानकारी अगर है तो आपको यहाँ पे हाँ पे टिक करना, और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे इस पे टिक करना होगा। तो हमारे पास खाते की जानकारी है तो हम हाँ के ऊपर टिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपका जो भी खाता नंबर है इनमें से वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, तो हम यहाँ पे खाता नंबर अपना सिलेक्ट कर लेते हैं और आगे बढ़े पे क्लिक कर देते हैं। आगे बढ़े के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चुने हुए खाते का विवरण आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, तो हम यहाँ पे इनमें से जो भी आप खाता सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, और इसके बाद आपको यहाँ पे आगे चले पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देखिए आपके पास कितने वारिस हैं, आपके टोटल वारिस यानी कितने, उसके अंदर आपके माता भी शामिल होगी, भाई बहन दोनों तीनों आप शामिल होंगे, तो आप यहाँ पे टोटल जितने भी हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे 3 सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद आगे चले पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे काश्तकार का नाम यहाँ पे 3 है, तीनों के आपको नाम करने होंगे। जैसे हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं जो भी नाम है, यहाँ पे हम जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर ये पुत्र है तो पुत्र सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे माता है तो आपको यहाँ पे माता सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पुत्र की जगह आपको यहाँ पे जो है पत्नी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपकी अगर बहन है कोई, है ना,
तो उसको आपको यहाँ पे टाइप करना है, उसका नाम और स्पेस दे देना है। अब यहाँ पे पुत्र की जगह आपको यहाँ पे पुत्री सेलेक्ट करना है। और अब यहाँ पे आपको अगर कोई नाबालिग है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप, चेक मार्क पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे आगे चले पे क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पे जो है मृतक के वारिसों का विवरण आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कितने इष्ट होंगे जो नाथुराम है उसके जमीन के, तो यहाँ पे 1/3 हिस्से होंगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे 1/3 हिस्से हो जाएंगे, तो इसके बाद आपको वापस से आगे चले के ऊपर क्लिक करना होगा। अब देखिए यहाँ पे आप आगे चले पे जैसे क्लिक करेंगे तो अब मृत्यु प्रमाण पत्र का वारिस नामा, प्रमाणित वारिस सर्जरा, उत्तरदायी व्यक्ति का शपथ पत्र और उत्तरदायित्व का शपथ पत्र यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। तो आपने जो ऊपर मोबाइल नंबर दिए थे उनके ऊपर एक सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। तो आपके यहाँ पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको आप पे दर्ज करना होगा। ओटीपी जैसे आप दर्ज करेंगे तो दर्ज करने के बाद आपका यहाँ पे जो वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन देख रहे हैं उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे एक चूज फाइल का ऑप्शन है, इसके अंदर आपको टोटल चारों यानी आपको मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रमाणित वारिस सर्जरा, स्वयं का शपथ पत्र और उत्तरदायी व्यक्ति का जो शपथ पत्र है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। एक ही पीडीएफ के अंदर आपको सारे जो पेज हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, और जिनकी साइज है वो मैक्सिमम एक पेज की 150 KB होगी। तो यहाँ पे चारों की आपको मिलाकर 600 KB के अंदर आपका जो पूरी पीडीएफ है वो 600 KB के अंदर अंदर उसकी फाइल साइज होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारे पास ओटीपी आ चुका है, यहाँ पे ओटीपी डाल देना है और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने जो फाइल बनाई थी वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे सुरक्षित के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सुरक्षित के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक जो ट्रांजेक्शन आईडी नंबर है वो आपको यहाँ पे दे दिए जाएंगे, और उसका आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है। वो रिकॉर्ड लेकर आपको यहाँ पे जो आपके पटवारी या ग्राम सेवक है, पटवारी जी हैं, उनसे आपको संपर्क करना होगा। तो वो आपकी वहाँ पे फाइल है अगर सही तरीके से फिल हो जाती है तो वो आपको यहाँ पे अपलोड, सही तरीके से फिल होती है तो वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, और आपका जो नामांतरण है वो आसानी से खुल जाएगा। और अगर इसके बाद गलत होता है तो वो वहाँ से रिजेक्ट कर देंगे, और आपको नामांतरण के लिए ऑनलाइन जो भी समस्या है वो आपको बता देंगे कि ये सुधार करके आप वापस से ऑनलाइन कर दीजिएगा। अगर इस तरह से किसी भी प्रकार की कोई अन्य समस्या आपको नामांतरण को लेकर आती है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।